कांग्रेस नेताओं ने शब्दों की मर्यादा लांघने के बाद अब अधिकारियों को धमकाने का कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में अधिकारियों को देख लेने की धमकी देना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और धमकाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिवराज ने कहा, क्या अधिकारियों और कर्मचारियों का आत्मसम्मान नहीं है जो उन्हें रोज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ धमका रहे हैं? रोज अधिकारियों और कर्मचारियों को देख लेने, निपटाने, निपट लेंगे जैसी धमकियां दी जा रही हैं, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेता अपनी पराजय से बौखला गए हैं। निर्वाचन आयोग को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी संभावित पराजय से बौखला कर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों अधिकारियों को धमका रहे हैं, रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अमर्यादित टिप्पणी और अधिकारियों को धमकाकर चुनाव जीतना चाहती है? चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले या ना ले, लेकिन जनता कांग्रेस को संज्ञान में जरूर ले रही है। कांग्रेस नेता जनता के बीच अपनी क्या छाप छोड़ रहे हैं, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। वो कहते थे, चार धाम की यात्रा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। सरकार भी तब तीर्थ दर्शन योजना चला रही थी। बहुत ही कम सरकारें होती हैं जो भावनाओं को भी समझती हैं। जाने की पूरी तैयारी भी थी हमारी, और फिर सरकार बदल गई और तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। हम बुजुर्गों की आस्था को क्यों कुचला? जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। गरीब का पेट कभी भूखा ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब की भूख किसी कार्ड की मोहताज ना रहे, ये सोचा भाजपा सरकार ने। गरीब को पैसे की कमी ना सताए, ये सोचा भाजपा सरकार ने। हर मुश्किल में भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।